प्रभु सब कुछ तेरी इच्छा पर निर्भर है, कोई भी तेरी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ नभमंडल के नीचे है सबकी सृष्टि की है, तू ही सर्वेश्वर है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, आप हम सबों से, आप हम सबों से बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, हम सबों को, हम सबों को बार बार, बार बार माफ करते हैं, माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद, विशेष रूप से, विशेष रूप से प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, इस वक्त, इस वक्त हम सभी लोग मिलकर, हम सभी लोग मिलकर इस महान मिस्सा बलिदान को, इस महान मिस्सा बलिदान चढ़ाने वाले हैं, चढ़ाने वाले इस मिस्सा बलिदान के द्वारा, इस मिस्सा बलिदान के हम सबों को, हम सबों को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, हम सबों को, हम सबों को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, हम सबों को, हम सबों को खुशियां प्रदान कीजिए, खुशियां प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु के इस पवित्र मंदिर में बुलाए गए हैं। यह प्रभु यीशु का बुलाहट है कि हम सभी प्रभु के पवित्र मंदिर में जाकर प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करें, क्योंकि वह ईश्वर निरंतर हम सबों से प्रेम करता है, और उस ईश्वर ने प्रेम के प्रमाण के रूप में हम सबों के जीवन में और एक नया दिन जोड़ा है। इस वक्त हम सभी यहाँ पर इस पवित्र मंदिर में खड़े होके
सांसों को लेते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, सांसों के द्वारा प्रभु हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। इस प्रकार से अनगिनत वरदानों के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज के इस प्रातः काल में हम सभी प्रभु के इस मंदिर में आए हैं, उस प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है और आज के पहले पाठ के द्वारा विशेष रूप से प्रभु हमें बताता है कि प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी है, इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है और वो जिम्मेदारी हम सबों को यह है प्रभु का उस प्रेम का संदेश को एक दूसरे के साथ बांटें, प्रभु के शांति के क्षमा के संदेश को एक दूसरे के साथ बांटें और ये हम सबों का परम कर्तव्य इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त और इस संदेश को याद दिलाया जाता है कि हम इस कर्तव्य को करें, इस संदेश का प्रचार प्रसार करें। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है प्रार्थना कितना आवश्यक है और इसकी जरूरत को प्रभु ने आज के सुसमाचार के द्वारा दिखाया है और हम सबों को सुंदर प्रार्थना के द्वारा सिखाया है। जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु के शिष्यों ने देखा और उनको लगा कि हमें भी प्रभु के भांति प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए प्रभु का एक शिष्य प्रभु के पास जाके बोलता, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाई और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक सुंदर प्रार्थना करना सिखाया, जो अपने जीवन का निचोड़ है उसको एक प्रार्थना के रूप में अपने शिष्यों को सिखाया और कहा इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। और उस प्रार्थना को हम दिन में कई बार बोलते हैं, कई बार उस प्रार्थना को करते हैं। आज के दिन में उस पूजन पद्धति के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें, उस प्रार्थना जो हम करते हैं उसका अर्थ को हम सभी समझें, उसके अर्थ को हम सभी जिए, जिससे कि उस प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे गुनाह गलती पाप अपराधों को प्रभु के सामने रखते हुए प्रभु से माफी मांगें। विशेष रूप से जब जब हम लोगों ने प्रार्थना नहीं की है, प्रार्थना में लापरवाही दिखाई है, प्रार्थना में आलस्य दिखाया है, प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तने कुआरी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है, ऐसी कृपा करके हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाए। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते
उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। उन्होंने कृपा का ये वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1-2 7-14। मैं 14 वर्ष बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तितुस को भी अपने साथ ले गया। इसलिए ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वे सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार वे गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूं। उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस ईश्वर ने पेत्रुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने को शक्ति प्रदान की थी। उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलिसिया के स्तंभ समझे जाते थे अर्थात याकूब, कैफेस और याहून, उन्होंने कृपा का वे वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमें एक साथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका केवल यही आग्रह था कि हमें दरिद्रों की सुधि लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब कैफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया क्योंकि वे गलत रास्ते पर थे। वे पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वे यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा कटने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है तो मैंने सबों के सामने कैफस से ये कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं तो आप गैर यहूदी को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य करेंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जन हर
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है।
उसकी इच्छा को हम सबों के प्रति प्रकट करता है और हम सबों को उनके वचनों के द्वारा सामर्थ्य देता, शक्ति देता है कि हम सभी उसके इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु हमेशा प्रार्थना में समय बिताते थे। जितना वो कार्यकलापों में व्यस्त हो जाते थे, रोगियों को चंगा करना, अलग अलग प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करना, और जितना काम उनका बढ़ जाता था उतना उनका प्रार्थना का समय बढ़ जाता था। कई बार हम लोग देखते हैं वह दिन भर व्यस्त रहे प्रचार करते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए, और उसके बाद बाइबल के कहीं पन्नों में हम बार बार इस बात को पढ़ते हैं वह रात भर प्रार्थना में रहे, रात भर प्रार्थना में लीन रहे। इस प्रकार से प्रभु ने अपने जीवन के उस सिस्टम में प्रार्थना उनके जीवन के एक अभिन्न अंग बना के रखा था, जिसको वो कभी नहीं भूलते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु के प्रार्थना में जीवन को उनके शिष्यों ने देखा। 3 साल तक प्रभु के शिष्य बड़े नजदीक रहे उनके, उनके साथ रहे, गए, आए, उठे, बैठे, खाए, पिए, सारे कार्यकलाप एक साथ था। और इस दौरान जब प्रभु के शिष्यों ने, जो कि यहूदी समाज के थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु की प्रार्थना देखी, तब उनको लगा कि प्रभु यीशु की प्रार्थना और उनकी स्वयं की प्रार्थना, इसमें बहुत फर्क है, बहुत भिन्न है। यहूदी समाज के होने के नाते प्रभु के शिष्य प्रार्थना किया करते थे, घंटों भर प्रार्थना करना उनकी आदत थी, नियम के अनुसार प्रार्थना करना उनकी आदत थी, जिसको संभवतः किया करते थे। लेकिन उनकी प्रार्थना में और उनके जीवन में एक प्रकार का फर्क था, एक डाइकोटॉमी थी। प्रार्थना एक अलग बात थी, कार्यकलाप एक अलग बात थी, उनका जीवन अलग था। जब उन्होंने देखा प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु के जीवन में और प्रार्थना में कोई फर्क नहीं था, दोनों एक था। जो जीवन था वो प्रार्थना थी, जो प्रार्थना थी वो जीवन था। और इसलिए प्रभु के शिष्यों ने सोचा कि हम प्रभु जैसे प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु का एक शिष्य प्रभु के पास आके प्रभु से विनती करता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। यह सवाल इसलिए नहीं उठा कि प्रभु के शिष्यों को प्रार्थना करना नहीं आती थी, आती थी। लेकिन अब वो प्रभु यीशु की प्रार्थना देखने के बाद प्रभु यीशु जैसे प्रार्थना करना वो चाहते हैं, और इसलिए भी वो प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु जैसे, प्रभु के नजदीक रह के उन्होंने इन सभी बातों को देखा था, जाना था, परखा था, समझा था। अगर हम प्रभु यीशु जैसे प्रार्थना करना सीखेंगे तो 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों के खिलाने पिलाने के लिए अद्भुत चमत्कार कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के शिष्यों को यह भी मालूम हो चुका था, अगर हम प्रभु यीशु जैसे प्रार्थना करना सीखेंगे, बहरों को सुनने के लिए कान में शक्ति हम दे सकते हैं, गूंगों को बोलने के लिए आवाज हम दे सकते हैं, लंगड़ों को चलने के लिए पैर में शक्ति हम दे सकते हैं, मुर्दों को हम जिला सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बंधनों से ग्रसित लोगों को, विशेष रूप से दुष्ट आत्मा के बंधनों से ग्रसित लोगों को हम छुटकारा दे सकते हैं, कोड़ियों को चंगाई दे सकते हैं। ये बात उनको मालूम हुई थी। इसलिए प्रभु का शिष्य प्रभु के पास आकर ये नहीं कहता है, प्रभु आपने जिस प्रकार से 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया पिलाया, हमें भी ऐसा चमत्कार करना सिखाइए, कोई नहीं पूछता है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। नहीं, प्रभु का कोई शिष्य प्रभु के पास आके ये बात बताता है, आपने मरे हुए लाजरस को, जो मर के 4 दिन हुए थे, 4th दिन वहां पर आप पहुंच गए और वहां पर जाके आपने उसकी मरी हुई लाश से कहा लाजरस बाहर निकल आओ, और लाजरस बाहर निकल आया, एक ऐसे एक अद्भुत कार्य करना हमें सिखाइए। प्रभु के कोई भी शिष्य आके प्रभु से ये नहीं कहता हमें ये करना सिखाइए, बल्कि वो प्रभु का शिष्य क्या पूछते हैं, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि हम प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं जैसे आप कर रहे हैं। अगर हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे, जो कुछ भी कार्य आपने किया वो कार्य भी हम करना हम सीख जाएंगे। यानी कि वो जान चुके थे तब तक प्रभु के साथ रह के, प्रार्थना एक ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है, जिसको हम हासिल कर लेंगे
बाकी सारे कार्यकलाप जो प्रभु येसु ने किए हैं हम सभी कर पाएंगे, इस बात का विश्वास उनके अंदर जा चुका था। इसलिए प्रभु के शिष्य प्रभु के पास जाके कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाए, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाई है वैसे हमें भी सिखाइए। और प्रभु येसु ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए, उनकी याचना मानते हुए उनको सुंदर प्रार्थना करना सिखाई, और वो प्रार्थना और कुछ नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन का संक्षिप्त सार था। जिस प्रकार से जीवन उन्होंने इस धरती पर बिताया है वही जीवन का निचोड़, उस जीवन का सार अपने शिष्यों के सामने रखते हुए कहा, इस प्रकार से प्रार्थना करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार से सबसे पहले वो सिखाते हैं पिता की महिमा करने के लिए, जो कि हर एक मनुष्य का परम कर्तव्य है, उस पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, महिमा करना, उसका जय जयकार करना। जितना हम उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उतना कम है, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य है उस पिता का जय जयकार करना। यही बात प्रभु अपने प्रार्थना के शुरुआत में हम सबको सिखाते हैं, जिसमें पिता की महिमा करने के लिए, उसके बाद अन्य जरूरतों को सामने रखने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रतिदिन का आहार हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है, केवल शारीरिक भोजन मात्र नहीं, शारीरिक भोजन के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के लिए जो कुछ भी हमें जरूरत है, उन सभी प्रकार की ताकत शक्ति सामर्थ्य, उन सभी बातों की जरूरत है, उन सभी मांगने के लिए हमें प्रभु येसु सिखाता है, क्योंकि हम पिता से मांगेंगे, पिता हमें देता है, मालिक पिता है, हम इधर उधर किसी व्यक्ति से जाके नहीं मांगना है। धन्य है व्यक्ति जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु के पास जाता है, प्रभु से अपना निवेदन प्रस्तुत करता है, और उस व्यक्ति की पुकार प्रभु सुनता है, क्योंकि प्रभु पुकार सुनने वाला वह ईश्वर है, वह हमारी पुकार को सुनता है। हालेलुया, 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 येसु की स्तुति हो, येसु को धन्यवाद। इस प्रकार से प्रभु येसु मसीह हमें सिखाता है प्रार्थना करने का, ये पैटर्न सुंदर एक ढांचा हमारे सामने रखता है, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, यानी कि सबसे पहले ईश्वर की स्तुति आराधना महिमा, उसके बाद हमारी गलतियों के लिए माफी मांगना, हमारी गलतियों के लिए माफी मांगने के साथ साथ जो भी उपकार हमने पाए हैं उसको धन्यवाद देना, उसके बाद हमारे निवेदनों को प्रभु के सामने रखना। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। उस प्रार्थना को दिन में हम लोग कई बार उस पिता के सामने रखते हैं, उस पिता से प्रार्थना करते हैं, और इस प्रकार से उस प्रार्थना को अगर हम अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं, मैं समझता हूँ बहुत सुंदर प्रार्थना है, एक व्यक्ति को संत बना सकती है ये प्रार्थना जो प्रभु ने हमें सिखाई है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, जो प्रार्थना जो प्रभु ने हमें सिखाई है, जिसको हम दिन में कई बार बोलते हैं, उस प्रार्थना को अपने जीवन में लागू करें, हमारा जीवन और प्रार्थना एक बने, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। इसलिए इसमें बलिदान में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को प्रार्थना करने का वरदान प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करें। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। Oh,
परम पिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को येसु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरे सोच विचार कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग बीमारी तनाव चिंता समस्या दुर्घटना आलस्यपन घमंड और निराशा से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य है हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा
परम प्रसाद के माध्यम से हम लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए हैं। हमारे दिल रूपी घर में उस प्रभु का हम स्वागत करें, उस प्रभु से हम बातें करें, उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करें और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दें जिनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।